तो ये है साहब हमारी कोयल यानी कि बटेर। इसकी फार्मिंग हिंदुस्तान में खूब हो रही है आजकल और इसके अंडे भी खूब खाए जाते हैं, बहुत ही पौष्टिक होते हैं इसके अंडे भी। तो आज इन्हीं कोयल्स की यानी कि बटेर की हम बनाएंगे तंदूरी बटेर यानी कि तंदूरी कोयल्स। बहुत ही बढ़िया और लाजवाब रेसिपी है साहब, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये देखिए आज मैंने तकरीबन 10 बटेर ली हैं, इनका वज़न ज़्यादा नहीं है, अबाउट 60 से 70 ग्राम की एक होगी। ये देखिए इससे आप कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे इनका साइज़, जब एक हथेली पर इनको रखा हुआ है कुछ इस तरह से दिखती हैं ये। अब देखिए इनके ऊपर एक चीरा लगा लेना है, बहुत गहरा चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हार्डली इनमें मांस होता है, तो बस एक एक चीरा लगा के, या अगर आप चीरा नहीं भी लगाना चाहते हैं तो एक फोक ले लीजिए यानी कि कांटा, उससे कुछ छेद इसके हाथ और पैरों पे कर दीजिए ताकि जब हम मैरिनेशन करें तो मसाला अंदर तक जा सके। तो देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं हम इस तरह से अपने होटल में बनाते हैं, ये हमारा तरीका है। अब ये है फर्स्ट मैरिनेशन यानी कि पहला मैरिनेशन, और ये चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और अब जाएगा साहब ये है सरसों का तेल। ये पहला मैरिनेशन हो रहा है बटेर का, इसके अंदर चला गया सरसों का तेल। अब बारी है साहब बाकी की चीज़ें जाने की, तो देख लेते हैं क्या क्या जाने वाला है। और ये जा रहा है नमक, ये बहुत ही ज़रूरी है, स्वाद के अनुसार डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा मगर। और ये है साहब कश्मीरी मिर्च, ये स्पाइसी नहीं होती है बस रंग बढ़िया देती है। अब इसे मिक्स कर दीजिए। अब इनमें देखिए हमारी ये पूरी 10 की 10 बटेर जो है ना ये मैरिनेट होंगी, और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। और अब इस स्टेज पे डाल देते हैं एक पूरा का पूरा नींबू, नींबू के वेजेस काट लिए थे और ये तीनों वेजेस इसमें डाल देते हैं, एक नींबू से 3 वेजेस आराम से निकलते हैं। अब इसे दोबारा से मिक्स कर देंगे हम नींबू डालने के बाद, देखिए ये खटास दे देगा इसको। इस मैरिनेशन के बाद इसको जैसे मैंने आपको बताया 15-20 मिनट तक इसको रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जल्दी मैरिनेट हो जाते हैं। हाथ से इसको अच्छी तरीके से अंदर बाहर से मैरिनेशन को लगा दीजिए। ये पहला मैरिनेशन है, हम एक मैरिनेशन और करेंगे। वैसे आप चाहे तो स्ट्रेट अवे सेकंड मैरिनेशन भी कर सकते हैं तो भी काम चल जाएगा, पर होटल का प्रोसेस होता ही है, हमारा SOP है दो दो मैरिनेशन करने का। ये देखिए एक बटेर तैयार हो गई, कुछ इस तरह से दिखने वाली है ये। अब इसको 15-20 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे और ये दूसरे मैरिनेशन की तैयारी करी। अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट बहुत थोड़ा सा डाला, और ये भुना हुआ बेसन है, बेसन को हमने तेल में भून के रखा हुआ है, अब इसको हम डाल देते हैं। बड़ी अच्छी और सोंधी खुशबू देता है ये। सफ़ेद रंग का जो पड़ रहा है ये काजू का पेस्ट है, काजू को बहुत बढ़िया बारीक पीस लिया था। और अब बारी है साहब जाने की इसमें दही। इस दही को कपड़े में बांधा गया है, इसकी वजह से ये काफ़ी थिक है और काफ़ी चीज़ी टेक्सचर का हो जाता है। ये डाल दिया दही। अब दही के बाद साहब बारी है अगले सामान की, वो है हमारी बड़ी साधारण चीज़ जो है कश्मीरी चिली। ये हमने पहले भी डाली थी और दोबारा भी डाल रहे हैं। और ये है साहब काला नमक, काला नमक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी रेसिपीज़ के लिए, ज़रूर डालिएगा। और ये है साहब गरम मसाला तकरीबन 1.5 चम्मच। और ये बारी है साहब कसूरी मेथी की, कसूरी मेथी बहुत अच्छी खुशबू देती है, ज़रूर डालिएगा। ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं जाएगा, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये डाल दिया आपने, तो तिप तरह के मसाले जो घर पे होते हैं वही हैं। देखिए अब ये ज़रा सा सादा नमक, काला नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, अब सादा नमक भी चला गया है। और अब बारी है साहब ये है सरसों का तेल, बड़ा खूबसूरत सरसों का तेल, इसकी खुशबू अलग ही होती है। इस सरसों को तेल को हमने पहले गर्म कर लिया था, उसके बाद ठंडा करके फिर इस्तेमाल करते हैं। और ये है साहब चीज़, अमूल का प्रोसेस चीज़, बड़ा अच्छा टेक्सचर देगा ये हमारी रेसिपी को। अब इसके हमें मिक्स कर देना है, और उससे पहले फिर से वही नींबू 2 से 3 पीस यानी कि वेजेस नींबू के डाल दीजिए। जैसे स्टेज पे आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये चले गए साहब नींबू, अब इसे एक अच्छा सा मिक्स, फर्स्ट क्लास सा मिक्स कर दीजिए। और अब ये जो हमारी बटेर है जिनको 15-20 मिनट के लिए हमने रेस्ट करने के लिए फ्रिज में छोड़ा था, अभी इनमें डाल देते हैं। बस इसे मिक्स कर दीजिए, और कुछ खास बचा नहीं साहब, बटेर बड़ी आसानी से, ये तो हवा में पकने वाली चीज़ है, बस स्वाद बड़ा अच्छा होता है। सबसे बढ़िया चीज़ लगती है इसको हड्डी समेत, जब आप क्रंचीनेस के साथ खाते हैं ना बड़ा मज़ा आता है, तो ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा एक बार। वैसे आजकल बटर आसानी से मिल जा रही है। ये देखिए मैरिनेट हो गई हमारी, ये बटेर मुझे 50 रुपये प्रति पीस पड़ी है, और 10 रुपये प्रति पीस इसकी साफ़ कराई यानी कि क्लीनिंग का प्रोसेस का पड़ गया मुझे, तो लगभग 60 रुपये का प्रति पीस पड़ा ये।
अब इसको बारबेक्यू करने वाले हैं, आप शायद इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं या अपने अवन में पका सकते हैं या पैन में ग्रिल करके खा सकते हैं, बिकॉज ये क्लासिकल रेसिपी है जो होटल में बन रही है, तो इसको हम तंदूर में पकाएंगे। तंदूर में हार्डली इसको 12 से 14 मिनट का वक्त लगता है और ये पक के तैयार हो जाती है। ये देखिए शेफ इसको हमारी सलाख में पिरोते हुए, और ये सब बटेरे एक मोती की तरह सलाख पे पिरो गई है। बड़ा ही मरनम और बहुत ही बढ़िया दृश्य लगता है ये। ये तंदूर साहब तैयार है, हीट बहुत ज़्यादा नहीं है, समय दोपहर का वक्त है तो अच्छा पक जाएगा ये। जब तेज हीट होती है तो आप देखेंगे अंदर से कच्चा रह जाता है। और ये देखिए 10-12 मिनट के बाद कुछ ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है हमारी बटेरे, फर्स्ट क्लास पक चुकी हैं। अब इसको ना हमें एक नहलाएंगे, काहे से नहलाएंगे, इसको नहलाएंगे साहब मक्खन से। अरे वाह, बड़ा ही देखिए इसमें फैट हार्डली होता है बटेरे भैया। अब इसके ऊपर जब मक्खन पड़ जाता है, जो जूसीनेस और जो बढ़िया फ्लेवर्स आते हैं ना, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं आपसे इंसिस्ट करता हूँ। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए बड़ी मेहनत लगती है ऐसी रेसिपीज़ को बनाने में। ये देखिए पक के एकदम तैयार है, फर्स्ट क्लास खाने के लिए एकदम तैयार है। आज शाम को चखने के साथ इसी को खाइए। देखिए बटेरे पक चुकी हैं, एक प्लेटर को सजा लेते हैं और उस प्लेटर में हमारी जली जाएंगी बटेरे। शेफ़ कह रहे हैं देखिए पक के एकदम तैयार है, अब इनको निकालना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करते हैं ना, हमारी सलाख को ठंडा करना पड़ता है। तो सिंक में गए, उसको हमने ठंडे पानी से, हमारी जो रॉड होती है ये लोहे की, इसको ठंडा कर दिया, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अब इसको हम पहले एक प्लेटर में निकाल लेंगे और उसके बाद इसको हम प्रेजेंटेशन करेंगे जैसे हम अपने होटल में देते हैं। आप कुछ और तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखिए बटेरों को हमने हल्का सा लूजन अप किया एक नाइफ या फोक की मदद से, और इसको अब हम निकाल देंगे। देखिए शेफ ने एक प्लेटर मंगा लिया है, अब इस प्लेटर में चली जाएंगी हमारी सारी की सारी बटेरे, 10 की 10। आज मैं तो डिनर में यही खाने वाला हूँ, फर्स्ट क्लास तंदूरी बटेर। और जो मज़ा आने वाला है ना, अरे वाह। देखिए अब इसको हम सर्व कर देते हैं, एक हरी चटनी और कुछ प्याज के साथ इसका मज़ा उठाइएगा। रेसिपी को आज लाइक करके ज़रूर जाइएगा। वैसे मेरा नाम शेफ रवि सावंत है और ऐसी रेसिपीज मैं बनाता रहता हूँ। फ़िलहाल मैं जनरल मैनेजर हूँ वाराणसी में। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो वाराणसी में तो मुझे ज़रूर संपर्क करिएगा। आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हूँ।